Assalamualaikum students, this is Ibrahim. आप लोगों ने लास्ट क्लास में रिक्वेस्ट करी थी कि सर आइजा 505 का भी क्विक रिवीजन करवाते हैं, तो चले स्टार्ट करते हैं हम आइजा 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन से. सही है, 20 से 25 मिनट की वीडियो बनेगी, इंशाल्लाह क्विक रिवीजन कर लेते हैं. देखिए, एक्सटर्नल कंफर्मेशन का जो स्टैंडर्ड है ना, वो आइजा 505 है. ये स्ट्रेट हमारा आइजा 500 के बाद आया है. आइजा 500 हमारे पास ऑडिट एविडेंस था. ऑडिट एविडेंस और एक्सटर्नल कंफर्मेशन में बहुत से सिमिलैरिटीज हैं. और वो सिमिलैरिटीज हैं क्या कि जी, जो ऑडिट एविडेंस है, अच्छे रिलायबल ऑडिट एविडेंस के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो एक्सटर्नल कंफर्मेशन में मौजूद होती हैं. फॉर एग्जांपल, एक्सटर्नल कंफर्मेशन थर्ड पार्टी से डायरेक्टली रिटर्न फॉर्म और ओरिजिनल फॉर्म में मिलता है. सहका, ये बातें तो सारी सही हैं यार, लेकिन देखें, फिर भी खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, आपने कन्फर्मेशन को डिज़ाइन ऐसे करना है, आपने एक्सटर्नल कन्फर्मेशन को कुछ इस तरीके से डिज़ाइन करना है और उसको इस तरीके से परफॉर्म करना है ताकि आपको रेलिवेंट एंड रिलायबल जो खसूसियात मौजूद हैं वो वाकई में अचीव हो जाए आपको. सत्यम वाला केस लाजमी याद रखेगा और फिर इस स्टैंडर्ड्स की वेटेज को समझेगा. जब मैं कंफर्म, देखें दो काम होंगे ना, एक कंफर्मेशन बनाऊंगा और फिर भेजने की कोशिश करूंगा. सही है, सबसे पहला काम स्टैंडर्ड आपसे क्या कहता है, आप कंफर्मेशन को डिजाइन करें. जब भी आप कंफर्मेशन को डिजाइन करेंगे, आपने ये असेस करना है कि जी, क्या आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन सी इन्फॉर्मेशन को कंफर्म्ड कराना है. सही है, आपको पता होना चाहिए कि आपने इन्फॉर्मेशन कौन सी कंफर्म करवानी है और कौन सी तारीख को, एज एट 30 जून 2022 को लेट से आपने एक इन्फॉर्मेशन कंफर्म करवानी है. कस्टमर से जो मेरा रिसीवेबल का बैलेंस है वो कंफर्म करवाना है. सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं कंफर्म करवाना है, एलपीएस नहीं कंफर्म करवाना है, अकाउंट रिसीवेबल कंफर्म करवाना है. सेकंड चीज, जिस बंदे से, थर्ड पार्टी से जो आपने कंफर्म कराना है, वो बंदा आपका नॉलेजेबल होना चाहिए. देखें, ऐसा नहीं हो सकता आपने कंफर्मेशन भेजी और एचआर से रिप्लाई आ गया कि हाँ जी, रिसीवेबल या पेबल का बैलेंस इतना है. तो थर्ड पार्टी तो है, डायरेक्टली भी है, रिटर्न फॉर्म भी है, ओरिजिनल फॉर्म भी है, लेकिन रिलायबल नहीं है. बिकॉज एचआर वाला अगर कंफर्म कर रहा है तो वो कैसे कंफर्म कर सकता है? नॉलेजेबल पर्सन, फाइनेंस मैनेजर होगा, सीएफओ होगा, उनसे कंफर्मेशन आना जरूरी है. तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सामने वाले का एड्रेस प्रॉपर होना चाहिए और आपका भी एक रिटर्न एड्रेस आना चाहिए, तभी तो आपको डायरेक्टली रिसीव होगी. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर कंफर्मेशन आपको रिसीव नहीं होती, प्यारे बच्चों, खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, आपने फॉलो अप लाजमी लेना है. ऐसा हो सकता है वो एक फिक्टिशियस कस्टमर हो, तो आपने फॉलो अप लाजमी लेना है. यहां पे मेरे पास कंफर्मेशन रेडी हो चुकी है प्यारे बच्चों, यहां पे कंफर्मेशन रेडी हो चुकी है. अगला काम है जब कंफर्मेशन बन गई, तो जाहिर सी बात है कस्टमर कंपनी का है, सप्लायर कंपनी का है, लॉयर कंपनी का है, बैंकर कंपनी का है, तो आपने मैनेजमेंट से भी उस कंफर्मेशन को ऑथराइज करवाना होता है. तो आप मैनेजमेंट के पास कंफर्मेशन लेके जाते हैं, कहते हैं जी, इस पे स्टैंप करें और हमें अलाउ करें कि जी हम ये कंफर्मेशन भेज दें. तो या तो प्यारे बच्चों मैनेजमेंट कंफर्मेशन सेंड करने आपको देगी, या मैनेजमेंट आपको लेट से कंफर्मेशन सेंड करने नहीं देती. अगर तो मैनेजमेंट आपको कंफर्मेशन भेजने नहीं देती प्यारे बच्चों, स्टैंडर्ड कहता है पहला काम आप ये करें, फौरन से आप एक काम करें, आप मैनेजमेंट से इंक्वायर करें कि भाई आपका क्या रीजन है. मैनेजमेंट से रीजन इंक्वायर करेंगे, भाई क्यों मुझे कंफर्मेशन भेजने नहीं दे रहे आप. सबसे पहले अगली चीज जो मैनेजमेंट आपको रीजन देगी, देखिए आप इंक्वायरी कर रहे हो और एज अ 500 में हम पढ़ चुके हैं, इंक्वायरी अलोन कैन नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस. तो जो मैनेजमेंट ने रीजन दिया है, इसके अगेंस्ट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने की कोशिश करें. सही है, ताकि पता चल जाए मैनेजमेंट जो कह रही है वो रिलायबल, रेलिवेंट, वैलिड है भी या रीजनेबल है भी कि नहीं. उसके बाद जब आपके पास एक न्यू इंफॉर्मेशन आई है, स्टैंड कहता है कि जी अपने रिस्क असेसमेंट को प्यारे बच्चों रिवाइज करें, और जब रिस्क असेसमेंट रिवाइज होगी तो उसके अगेंस्ट मजीद ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने की कोशिश करें. और यहां पर याद रखिएगा कि जब आप रिस्क असेसमेंट को रिवाइज करेंगे, इट इंक्लूड्स द रिस्क ऑफ फ्रॉड. सही है, ऐसा भी हो सकता है कि मैनेजमेंट, क्या पता मैनेजमेंट एक फिक्टिशियस सेल्स रिकॉर्ड कर रही हो और कस्टमर को कंफर्मेशन भिजवाने ना दे रही हो. फिर स्टैंडर्ड कहता है आप एक काम करें यार, ये जिस बैलेंस को आपने कंफर्म करवाना है उसके ऊपर आप कोशिश करें ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करके, क्या आपको सफिशियंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन हो सकता है. इफ द आंसर इज यस तो ठीक है, एक हैप्पी एंडिंग है. लेकिन अगर ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर से सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं हो सकता, स्टैंडर्ड कहता है इट विल बी कंसीडर्ड एज अ स्कोप लिमिटेशन. और इस केस में आपको करना यह पड़ेगा, अगर इंपैक्ट मटीरियल है तो आपको क्वालिफाइड ओपिनियन देनी होगी, मटीरियल प्लस परवेजिव है तो आपको डिस्क्लेमर देना होगा. क्या यहां तक बात समझ आती है? यहां पे एक थोड़ी सी अच्छी चीज बता दूं प्यारे बच्चों, अगर ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर से सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल भी जाते हैं, लेकिन
मैनेजमेंट ने जो आपको रीजंस बताई हैं, अगर वो आपको वैलिड नहीं लग रही तो उस बैलेंस के ऊपर तो काम कर चुका है, लेकिन यहाँ जो इन्फॉर्मेशन आपको मिली है, जो रीजन में आपको मिली है, वो अगर आपको जस्टिफाइबल नहीं लग रही, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, उससे आपने लाजमी कोई ना कोई रिस्क आइडेंटिफाई करना होगा। अच्छा जी, अगर मैनेजमेंट मुझे कंफर्मेशन भेजने दे देती है प्यारे बच्चों, तो फिर पॉसिबल है कि हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज होंगी। सबसे पहला तो ये होगा जी, या तो मुझे कंफर्मेशन रिसीव्ड हो जाएगी, या मुझे कंफर्मेशन रिसीव्ड नहीं होगी। अगर तो मुझे कंफर्मेशन रिसीव्ड ही नहीं होती है, तो फिर सर कहते हैं अगेन आप कोशिश करें अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर से सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने की। लेकिन अगर आपको कंफर्मेशन रिसीव्ड हो जाती है, तो मुंशियों की तरह बैलेंस मैच करने ना लग जाइएगा। आपने एक चीज ये असेस करनी है कि जो कंफर्मेशन आपको रिसीव्ड हुई है, क्या वो कंफर्मेशन रिलायबल है भी, या वो कंफर्मेशन रिलायबल नहीं है। इस तरह कहते हैं रिलायबिलिटी पे डाउट्स कब क्रिएट हो जाएंगे, जो वर्ड वो यूज करता है वो डाउट्स का वर्ड यूज करता है कि रिलायबिलिटी पे डाउट्स कब क्रिएट हो जाएंगे। रिलायबिलिटी पे डाउट्स तब क्रिएट होंगे प्यारे बच्चों, जब आपको इनडायरेक्टली रिसीव हुई है, जब आपको इनडायरेक्टली कंफर्मेशन रिसीव हुई है, या थर्ड पार्टी से तो रिसीव हुई है लेकिन आपको आपको ऐसा लग रहा है कि ये ओरिजिनल पार्टी नहीं है जिसको कंफर्मेशन भेजी थी, ये रिप्लाई वहां से नहीं आया। आपको रिसीव थर्ड पार्टी से हुई है लेकिन आपको लग रहा है कि जो ओरिजिनल पार्टी थी, ओपी लिख रहा हूं मैं, जो ओरिजिनल पार्टी थी वहां से रिप्लाई नहीं आया। इसके ऊपर हमने क्लास में एग्जांपल भी डिस्कस करी थी। और अगर आपको कंफर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से रिसीव होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में प्रूफ ऑफ ओरिजिन को एस्टेब्लिश करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो इस केस में आपको आपको कुछ इंक्रिप्शन टेक्निक्स वगैरह अप्लाई करनी होती है। इस टाइप कहते हैं अगर इनडायरेक्टली रिसीव हुए हैं, कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करें कि सामने क्लाइंट को बोले, सामने कस्टमर को बोले कि मुझे डायरेक्टली भेजे। सेकंड चीज, अगर थर्ड पार्टी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम, तो आप इंक्रिप्शन टेक्निक भी यूज कर सकते हैं, कुछ आईटी कंट्रोल भी यूज कर सकते हैं, और सामने वाली पार्टी को कॉल करके कंफर्म भी कर सकते हैं। अच्छा जी, अगर तो रिलायबल है तो फिर अगली चीज आपने ये चेक करनी है प्यारे बच्चों कि कहीं कोई एक्सेप्शन तो नहीं आ रही। एक्सेप्शन का मतलब व्हेन देयर इज अ डिफरेंस। हाँ जी एक्सेप्शन आ रही है। नहीं जी कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। अगर कोई भी एक्सेप्शन नहीं है प्यारे बच्चों, इट मींस ये एक दी एंड हो चुका है, सामने वाला डायरेक्टली रिलायबल आपको एक चीज कंफर्म कर रहा है, डिफरेंस नहीं आ रहा, हैप्पी एंडिंग हो चुकी है, जिस assertion या जिस इंफॉर्मेशन पे आपने काम करना था वो काम हो चुका है। लेकिन अगर exceptions आ रही है प्यारे बच्चों, स्टार कहता है इसकी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल इट मे इंडिकेट द मटीरियल मिस स्टेटमेंट, और इट मे इंडिकेट द पोटेंशियल मटीरियल मिस स्टेटमेंट, और इसके अलावा और क्या हो सकता है, इट मे इंडिकेट द डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल सही नहीं थे, तभी तो 70 रुपए की जगह आपने 100 रुपए रिकॉर्ड कर लिए, 100 की जगह आपने 70 रिकॉर्ड कर लिए, सामने वाले को सेल्स करी रिकॉर्ड नहीं करी, सामने वाले ने पेमेंट कर दिया आपके सिस्टम ने रिकॉर्ड नहीं करी। इंटरनल कंट्रोल में डेफिशिएंसी भी हो सकती है, और इट ऑल्सो इंडिकेट द रिस्क ऑफ फ्रॉड। देखें वही वाली बात है, आपने एक फिक्टिशियस सेल्स रिकॉर्ड की होगी। ऐसा कहते हैं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सारे की सारी चीजें गलत फहमी है। ऐसा हो सकता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक टाइमिंग डिफरेंसेस हो, और जब भी टाइमिंग डिफरेंसेस होंगे आपने लाजमी मैनेजमेंट से रिकंसिलिएशन ऑब्टेन करनी है। टाइमिंग डिफरेंस का मतलब कि आपने फॉर एग्जाम्पल सामने वाले ने आपको पेमेंट करी, आपका ईयर एंड 31 दिसंबर 2022, सामने वाले ने 31 दिसंबर 2022 को चेक इश्यू कर दिया, आपको 2 जनवरी 2023 को रिसीव हुआ, सही है? तो ये सिर्फ और सिर्फ टाइमिंग डिफरेंस है। और उस रिकंसिलिएशन से लेने के बाद उस रिकंसाइलिंग आइटम, जो रिकंसिलिएशन में RI लिख रहा हूं मैं, जो रिकंसाइलिंग आइटम्स होंगे, इसके ऊपर आप ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म कर लेंगे। क्या यहां तक बात समझ आती है बच्चों? अच्छा, आगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर एक्सेप्शन है तो आपने ये सारे ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं। ये हमारे पास अगर आप देखें तो आइजा 505 की एक समरी है। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसके अंदर, एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारे पास जो है वो है हमारे पास टाइप्स ऑफ कंफर्मेशन। एक जो मेरे पास कंफर्मेशन होती है, एक कंफर्मेशन की जो टाइप है प्यारे बच्चों, वो है पॉजिटिव, और एक जो कंफर्मेशन है टाइप मेरे पास है वो है नेगेटिव। ठीक है जी,
पॉजिटिव कंफर्मेशन क्या होगी भाई? पॉजिटिव कंफर्मेशन क्या होगी कि सामने वाले से आप ये रिक्वेस्ट करते हो कि आपने रिप्लाई करना है, आपने रिप्लाई करना है, चाहे आप एग्री करें, चाहे आप एग्री करें या आप डिसएग्री करें, चाहे आप एग्री करें चाहे आप डिसएग्री करें, आपने रिप्लाई लाजमी करना है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप काइंडली रिप्लाई करें। नेगेटिव कंफर्मेशन के केस में, प्यारे बच्चों, नेगेटिव कंफर्मेशन के केस में आप कहते हो कि अगर आप डिसएग्री करते हैं तो रिप्लाई करें, अगर आप डिसएग्री करते हैं तो रिप्लाई करें, अदरवाइज आपको रिप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो अगर मेरे पास कंफर्मेशन नहीं आएगी तो इसका मतलब है कि आप मेरे बैलेंस से एग्री कर रहे हैं। स्टैंडर्ड यहाँ पे कहता है कि यार देखिए, नेगेटिव कंफर्मेशन से अपेरेंटली ऐसा लग रहा है कि इससे अच्छा रिलायबल एविडेंस तो नहीं मिल रहा आपको, तो इसकी जो कंडीशंस इंपोज की उसने बड़ी खतरनाक कंडीशन इंपोज की है। उसने कहा नेगेटिव कंफर्मेशन आप तभी भेज सकते हैं जब ये सारी की सारी कंडीशंस पूरी हो जाएंगी। और वो कंडीशंस हमारे पास कौन सी होगी? वो सबसे पहली कंडीशन होगी, कि आपके पास जो इनहेरेंट रिस्क है वो लो है और आपके क्या कहते हैं कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। कंट्रोल्स अच्छे हैं, कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, और इसके ऊपर आप सफिशियंट appropriate audit evidence obtain कर चुके हैं। सेकेंड कंडीशन, when the population comprises of large number of small balances, सही है। तीसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, a very low exception rate is expected, और आखिरी कंडीशन, प्यारे बच्चों, आपके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं कि सामने वाला आपकी कंफर्मेशन को इग्नोर या डिसरिगार्ड कर रहा है। अच्छा जी, तो ये इसके एक एक इलस्ट्रेशन, इसके एक एक चीज के ऊपर इलस्ट्रेशन देखी थी, सवाल देखे थे। एक और कॉन्सेप्ट है कंफर्मेशन की, मजीद एक टाइप होती है ओपन कंफर्मेशन और ब्लैंक कंफर्मेशन। जब आप पॉजिटिव कंफर्मेशन भेजेंगे, इस केस में आपके पास दो ऑप्शन होंगे, या तो आप ओपन कंफर्मेशन भेज सकते हैं, या आप ब्लैंक कंफर्मेशन भेज सकते हैं। ओपन कंफर्मेशन का मतलब जब आप सामने वाले को बैलेंस बता देते हैं कि भाई क्लाइंट ने इतने का बैलेंस रिकॉर्ड किया हुआ है। ब्लैंक कंफर्मेशन में आप कहते हैं खाली जगह पूर करें, सही है। मैं आपको नहीं बता रहा, आप खुद बताएं कि आपको कितना पेबल या रिसीवेबल है। मेरे पास पॉजिटिव में दो ये पॉसिबिलिटीज है, नेगेटिव में प्यारे बच्चों मेरे पास हमेशा एक ही पॉसिबिलिटी है और वो है ओपन कंफर्मेशन। मैं नेगेटिव कंफर्मेशन भेजते हुए कभी भी ब्लैंक कंफर्मेशन नहीं भेज सकता। क्यों? जब मैं इसको ये कह रहा हूं कि मैं आपको बैलेंस भी नहीं बता रहा और मैं आपसे कह रहा हूं कि जी अगर आप एग्री करते हैं तो मुझे रिप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो ये थोड़ा सा आप समझ रहे हैं ना, पॉसिबल नहीं है, लॉजिकल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज, बच्चा आपसे सवाल पूछता है सर मैं नेगेटिव, अगर नेगेटिव की चारों कंडीशन पूरी हो भी रही है तो मैं पॉजिटिव भेज देता हूँ, फर्क क्या है सर? रिप्लाई आ जाए नहीं आए, ठीक है। देखिए, एक चीज समझने की कोशिश करें प्यारे बच्चों, नेगेटिव कंफर्मेशन में जब रिप्लाई नहीं आएगा ना, और ये चारों कंडीशंस पूरी है तभी आपने नेगेटिव कंफर्मेशन भेजी हुई है, तो आप ये एज्यूम करोगे कि सामने वाला एग्री कर रहा है, और चूंकि रिप्लाई आपको रिसीव नहीं हुआ है तो आपको ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। पॉजिटिव की केस में अगर रिप्लाई नहीं आता ना, तो फिर आपको ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने की जरूरत पड़ जाएगी। तो आई होप प्यारे बच्चों, ये एक छोटी सी क्विक समरी थी, आपको फायदा हुआ होगा। इंशाल्लाह जैसे हम नया टॉपिक पढ़ेंगे तो एक और लेक्चर इंशाल्लाह इसको इंट्रोड्यूस कर लेंगे। थैंक यू सो मच, अपना बेहद ख्याल रखिएगा।